चीजें खरीदने की ओसीडी, इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये जो बीमारी है जिसमें बार बार हाथ धोना, बार बार वही विचार आना, बार बार निगेटिव विचार आना, एक ही काम बार बार करना, बहुत ज़्यादा साफ सफाई करना, स्नान में बहुत टाइम लगाना, लेटरिन में बहुत टाइम लगाना, ये ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। एक जो मैंने अभी रिसेंटली देखा, जो मैंने पहली बार मेरे लाइफ में देखा, ये प्रैक्टिसिंग लाइफ में, वो है चीज़ें खरीदने की ओसीडी। मतलब ये जो व्यक्ति मेरे पास में आया, करीब करीब 35 साल का लड़का है, और ये घर से जब जाता है कहीं बाहर कुछ खरीदने जाता है, समझो कोई चावल खरीदने गया, शक्कर खरीदने गया, या कोई पेन खरीदने गया, या कुछ भी खरीदने, किराना दुकान में गया, सब्जी लेने गया, तो ये करता क्या है, इसको ऐसे विचार आते कि मैंने और भी चीज़ें खरीदनी चाहिए। तो समझो आप, वो पेन लेने के लिए गया स्टोर में, तो क्या करेगा, वहाँ से वो जो बाकी टोचन जो रहता है वो टोचन खरीद लेगा, कुछ वाइट पेपर्स खरीद लेगा, फिर कोई और बॉल पेन्स अलग अलग एक दो और खरीद लेगा, फिर पेपर रेडी खरीद लेगा, या फिर वाइट पेपर्स खरीद लेगा, मतलब ऐसा कुछ से भी खरीद लेगा। जब मालूम है उसको कि अपने घर में वो है, मतलब ऐसा करते करते वो काफ़ी बार ऐसा होता है कि ज़्यादातर वो पेन ही खरीदता है, तो भी उसके घर में इतने पेन जमा हुए हैं, मतलब बोलता है कि मैं वो रेजिस्ट ही नहीं कर सकता हूँ, वो खरीदना ही पड़ता है, उसके से मुझे चैन नहीं पड़ता है। जो चीज़ नहीं चाहिए, जो चीज़ खरीदने के लिए गया भी नहीं था, वो चीज़ खरीद लेके लाएंगे। उसको मैंने पूछा फिर और क्या क्या है आपको, तो उसको हाथ धोने की भी बीमारी है। मतलब ये करीब करीब यहाँ तक वो हाथ धोता है, पूरे कंप्लीट सफ़ेद हो चुके हैं हाथ, बार बार हाथ धोएगा, आधा घंटा पौन घंटा हाथ धोते रहेगा, स्नान करेगा तो करीब करीब 1.5 से 2 घंटा स्नान करने में वो लगे रहता है बाथरूम में, सुबह शाम 2 बार स्नान करेगा। उसको कोई व्यक्ति घर में बाथरूम से आ गया या लेटरिन से कोई व्यक्ति आता है बाहर घर में और उसके पास से जाता है, तो उसको लगता है कि अपने को गंदगी लग गई, और फिर वो जाके अपना हाथ धोएगा, पैर धोएगा, स्नान करेगा, मतलब इतना हो जाता है। कोई व्यक्ति कहीं बाहर से आ गया तो हो सकता है कि ये कोई तो भी अंत यात्रा करके आया होगा, या कोई डेड बॉडी जो जाती है रास्ते से वहाँ वो क्रॉस किया होगा, उसने किया होगा, उसको विचार आता है। तो कोई बाहर से आता है तो उनको ज़बरदस्ती करेंगे कि आप पैर धो लो, हाथ धो लो, स्नान करो, और नहीं तो फिर वो नहीं माने, फिर ये स्नान करेगा, क्योंकि वो व्यक्ति अपने बाजू से गया, इतना परेशान है, उसको खुद को मालूम है। इसमें क्या होता है, ओसीडी में लोगों को मालूम रहता है कि भाई मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, उसको ये मालूम रहता है कि भाई ये मैं कंट्रोल के बाहर हूँ, ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, मगर वो किए बिना उसको शांति भी लगती नहीं है। कुछ लोगों को इसमें सिर्फ विचार आते रहते हैं, कुछ लोगों को विचार आते हैं और कंपल्शन मतलब एक्टिविटी भी करनी पड़ती है, ये इसको एक्टिविटी भी करनी पड़ रही है जो पेशेंट में बात कर रहा हूँ। अब इसका करना क्या है, इसमें हम उसको बिहेवियर थेरेपी देते हैं, उसको हिप्नोथेरेपी देते हैं, SSRI ग्रुप के जो ड्रग्स है, फ्लॉक्सेटिन, सरेट्रालिन, एसिटालोप्राम, पैरोक्सिटिन, या फिर ट्राइसाइक्लिक में क्लोमिप्रेमिन, ये दवाई बहुत अच्छी काम करती है, ये दवाई से काफ़ी लोगों को आराम पड़ता है। मैं इंसिस्ट करता हूँ, लोग बोलते हैं नहीं हमको दवाई नहीं होना, हम उनको वैसे ही बताओ, हमको हिप्नोटिज्म बताओ, उससे हम इलाज करें, मतलब भाई हिप्नोटिज्म से आपको इलाज करेंगे, हिप्नोथेरेपी करेंगे, उससे टाइम लगेगा, पहले आप दवाई चालू करो, दवाई से आपको जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। दवाई चालू कर देते, दवाई से थोड़ी नुकसान होते हैं, लोग बोलते नुकसान मामूली सा है, कभी मुँह सूख जाना या लेटरिन साफ़ नहीं होना, बस इतना ही साइड इफेक्ट है, अरे बहुत ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट है नहीं। दवाई लेते हैं तो कम से कम 50% फ़ायदा दिखाई देता है, बचा हुआ 50% जो है वो फिर बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी, यहाँ से हम निकालते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, 1000 में से 2 से 3 लोग ओसीडी से परेशान हैं, कुछ स्टडीज़ में 8 से 9 लोग 1000 में पाए गए कि 1000 में 8 से 9 लोग, इतना हाई रेट है, तो इनका इलाज हो सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।